ओके, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप हुआ, इन विच हम लोग जो बायनोमियल थियोरम स्टडी करते हैं उसका उसका यूज़ होगा या फिर उसके जैसा कुछ दिखेगा, जिसके वजह से वी आर कॉलिंग इट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट मी अगेन टेल यू, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप हुआ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल टाइप हम लोग बोलेंगे, जहाँ पर बायनोमियल थियरम जो आप लोग पढ़ चुके हो इन 11th, उसका यूज़ होगा। आप लोगों को एक याद होगा कि अगर सपोज आपको x प्लस वाई टू द पावर n करना है, तो इसका एक्सपांशन एन सी ज़ीरो एक्स टू द पावर आप n कर सकते हो, x टू द पावर n y टू द पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन y टू द पावर वन प्लस ऐसे देयर विल बी n प्लस वन टर्म्स, द लास्ट बीइंग एन सी एन एक्स टू द पावर ज़ीरो y टू द पावर n। आई होप यू रिमेंबर दिस, फॉर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ये बायनोमियल थियरम हुआ। लेकिन हम चैप्टर बायनोमियल थियरम नहीं, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं। हाउ इज इट गोइंग टू बी रिलेटेड टू दिस बायनोमियल थियरम देखेंगे, थोड़ी ही देर में देखेंगे। बट बिफोर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल, व्हाट इज मीन बाय बर्नौली ट्रायल? देखिए कि आपके पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट? जैसे लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। कॉइन टॉस में यू हैव टू आउटकम्स, हेड और टेल। टू कॉइन्स टॉस्ड, फिर आपके पास एच 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 टी टी एच टी टी। रोल ऑफ डाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं। इफ लेकिन बर्नौली ट्रायल उसे कहते हैं जिसमें देयर आर ओनली टू आउटकम्स। ओके, सो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपने ये जो एक बार थ्रो किया दैट इज ट्रायल, मतलब बर्नौली ट्रायल अलग रह गया, पहले ट्रायल क्या देख लेते हैं। सो ये हो गया ट्रायल, कॉइन टॉस करना ये ट्रायल हो गया, टू कॉइन्स। अब इसमें अगर दो ही चीजों में अगर आपने आउटकम जो है, आउटकम इज क्लासिफाइड इन ओनली टू सेट्स, सक्सेस और फेल्यूर, राइट? मतलब सिर्फ दो पार्ट रहेंगे, दैट इज ओनली टू आउटकम्स। अब आप बोलेंगे कि सर ओनली टू आउटकम्स मतलब फिर शायद इसमें से सिर्फ पहला वाला बर्नौली ट्रायल हुआ। नहीं, देखो अगर मैंने ऐसे बोला कि मैं एक कॉइन टॉस करता हूं और हेड आया तो मैं जीता, यानी सक्सेस, हेड आया तो सक्सेस, सो अगर मैं कॉइन टॉस की बात कर रहा हूं और मैंने कॉइन टॉस के केस में हेड आया तो सक्सेस बोल दिया, तो ऑब्वियसली टेल यानी फेल्यूर हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि हम लोग दो बार कॉइन टॉस करेंगे और दोनों आउटकम अगर टेल आ गए तो सक्सेस, तो रिमेनिंग जो है वो फेल्यूर में चले जाएंगे।
मैं बोलूंगा कि आउटकम अगर कंप्लीट स्क्वेयर आया तो सक्सेस डाइस थ्रो करने पर, तो 1 और 4 आया तो हम लोग सक्सेस लेंगे, और 2, 3, 5, 6 इसमें से आया तो हम लोग फेल्यूअर लेंगे। गाइस डू यू अंडरस्टैंड, इफ आई डिफाइन फॉर एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट कि मेरा सक्सेस यानी कब, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल शर्त लगाई कहीं पर भी, तो उसमें जितने पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ये होगा, ये एक जन बोलेगा राइट, तो ये हुआ तो सक्सेस और बाकी सब फेल्यूअर, ऐसा अगर आपने क्लासिफाई कर दिया तो यही सभी सभी के सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बर्नौली ट्रायल में मैंने बर्नौली ट्रायल करके बता सकते हैं। सो क्या आपको यहां पर ये ध्यान में आ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय बर्नौली ट्रायल? सबसे पहले बर्नौली ट्रायल यानी आप लोग जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका ट्रायल कर रहे हो, उस ट्रायल के आउटकम्स आर क्लासिफाइड इनटू ओनली 2 क्लासेस, एवरी आउटकम ये दोनों में से एक जगह पर रहेगा, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग बोलेंगे कि ये हमें हमारा सक्सेस बताता है, यानी सक्सेस मिला ऐसा पकड़ेंगे हम लोग, और रिमेनिंग जो है वो फेल्यूर की तरफ जाएगा। इज इट फाइन, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट? गुड, अब बर्नौली ट्रायल की डेफिनेशन है, कि हर बार आपको 2 पॉसिबल आउटकम्स मिलने चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। आपके टेक्स्ट बुक में से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इसका मतलब क्या, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, 2 कॉइंस टॉस्ड वाला बोलते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज HH, HT, TH एंड TT, राइट? 2 कॉइंस टॉस कर दिए आपने तो ये हो गया, लेकिन आपने बोथ टेल्स सक्सेस बोल दिया तो TT सक्सेस और HH, HT, TH ठीक है, ये सक्सेस और ये जो है ये फेल्यूअर हम लोग बोलेंगे सक्सेस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नाउ? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताएंगे, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना रहेगा? मैंने मेरे दोस्त के साथ शर्त लगाई और बोला कि हम लोग 2 कॉइन टॉस करेंगे, दोनों टेल आए तो मैं सक्सेसफुल, ठीक है? तो इसका चांस कितना है? आई माइट वेट पूरा क्लास एंड होने तक वेट करना पड़े तो भी देखेंगे आप लोग क्या बताएंगे। यस, शाबाश, आंसर आने शुरू हो गए, गुड, करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम पी यानी पी बोलेंगे, स्मॉल पी, दैट इज 1/4। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूअर?
हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर के लिए क्यू सिंबल यूज करेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन दिस केस? यू कैन इजीली टेल मी, 3/4. और एक चीज हमेशा कायम रहेगी, पी प्लस क्यू विल बी 1, क्योंकि या तो सक्सेस मिलेगा या फिर फेल्यूर मिलेगा, दोनों में से ही एक मिलेगा. तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्यू ये हमेशा 1-P से निकाला जाता है. ठीक है, तो इस केस में हमारा बर्नौली ट्रायल क्या है? दो बार कॉइन टॉस करने से एक बर्नौली ट्रायल कंप्लीट हो रहा है या एक कॉइन टॉस करने से ही बर्नौली ट्रायल कंप्लीट हो रहा है? एक बर्नौली ट्रायल के लिए हमें दो कॉइन्स टॉस करने पड़ रहे हैं, राइट? नहीं अपूर्वा? हाँ, वैसा भी बना सकते हैं, मैं इस केस में बात कर रहा हूं. इस केस में हमने दो टेल आना सक्सेस बोला है ना, मतलब दो कॉइन चाहिए रहेगा, या फिर एक ही कॉइन दो बार करोगे तो भी चलेगा. लेकिन वन ट्रायल ओके, टू कॉइन्स टॉस्ड, वन बर्नौली ट्रायल इन दिस केस. जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे रहे, मैं दूसरा कुछ डिफाइन कर सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कॉइन टॉस करेंगे और हेड आया तो मैं जीता यानी सक्सेस. मैं तीन कॉइन की भी बात कर सकता हूं, मैं डाइस की बात कर सकता हूं, मैं कार्ड्स की बात कर सकता हूं. सो देयर आर मेनी पॉसिबल वेज. ओके, नाउ अगली बात. सपोज अब क्वेश्चन आपके लिए यह आया कि बर्नौली ट्रायल इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स. बर्नौली ट्रायल इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स और हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज नंबर ऑफ सक्सेस. अगर दो कॉइन टॉस किया और उसमें दोनों के दोनों टेल आए तो सपोज मैं सक्सेसफुल होता हूं. अब मैं ये दो कॉइन टॉस करना, राइट, या फिर कॉइन दो बार टॉस करना, ये n टाइम्स रिपीट करूंगा. ठीक है, कोई बता सकता है मुझे x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, रेंज ऑफ x क्या है? इस केस में रेंज ऑफ x क्या रहेगा? अगर आपने n ट्रायल किए तो आपका सक्सेस कितने बार हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है सक्सेस? जीरो, एक भी बार सक्सेस नहीं हुआ, या फिर एक बार, या फिर दो बार, या फिर तीन बार. ज्यादा से ज्यादा कितना? पूरे n के n टाइम्स. दिस इज योर रेंज ऑफ x. Do you get it? Do you understand range of x? ठीक है. Now, अब ना मैं अगर n में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसीलिए मैं
अलग तरीके से बताता हूँ. लेट से एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 3 एंड 2 कॉइन्स आर टॉस. या फिर ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 3 टाइम्स. ठीक है, बोथ टेल्स मीन्स सक्सेस. मैं ये अपने सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ, बाकी टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है वो हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं. बोथ टेल्स मीन्स सक्सेस. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 सक्सेस. ठीक है, अब आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. एन इज इक्वल टू 3 है क्योंकि आपने 3 बार किया है. अब मुझे बताइए, आपने 3 ट्रायल किए तो आपको एक्स इज इक्वल टू 1 3 तरीके से मिल सकते हैं. या तो पहला सक्सेस, दूसरा फेल्यूअर, तीसरा फेल्यूअर, या फिर पहला फेल्यूअर, दूसरा सक्सेस, तीसरा फेल्यूअर, या फिर पहला फेल्यूअर, दूसरा फेल्यूअर, तीसरा सक्सेस. डू यू गेट दिस 3? इसमें से किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी इंटू क्यू इंटू क्यू. फर्स्ट सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी पी, एंड यानी इंटू दूसरा फेल्यूअर यानी प्रोबेबिलिटी क्यू, एंड तीसरा फेल्यूअर इंटू क्यू. गाइज इफ यू कैन सी, ये तीनों का सेम ही आएगा, पी इंटू क्यू स्क्वेयर, पी इंटू क्यू स्क्वेयर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 क्या आया मैं बता रहा हूं. एक्चुअली ये फर्स्ट केस होगा या फिर और यानी प्लस दूसरा q इंटू पी इंटू क्यू, या फिर और q इंटू क्यू इंटू पी. एंड एज यू कैन सी इन तीनों का सम होके वी विल गेट 3pq2. ये क्या हुआ ये बताता हूं मैं आपको अभी. ये बताने के लिए I would like to tell you कि अच्छा 3 में से एक बार सक्सेस यानी NC3 तरीके से आ सकता है. 3 में से एक बार सक्सेस NC3 तरीके से आ सकता है, सॉरी 3C1 गलत हो गया. 3 में से एक बार S 3C1 करेक्ट है क्या? अगर आपके पास 3 जगह है और 3 में से एक जगह पर S रखना है तो वो एक जगह आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 3C1. इसीलिए ये 3 केसेस आ गए. ये 3 केसेस निकालने का आसान रास्ता था 3C1 इनटू प्रोबेबिलिटी एक बार आने वाला था सक्सेस 1 एक बार यानी p^1 और q^3-1. क्योंकि एक बार सक्सेस आया तो 3 में से जितने बचे हैं उसमें फेल्यूअर आएगा 3-1 टाइम्स. सो इफ अ ट्रायल इज रिपीटेड, अ बर्नौली ट्रायल, इफ अ बर्नौली ट्रायल. हम लोग अभी बहुत नजदीक पहुंच गए हैं. इफ बर्नौली ट्रायल इज रिपीटेड n टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट
वी गेट सक्सेस एक्स टाइम्स। वी गेट सक्सेस एक्स टाइम्स, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विल बी एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। कैसे, सोच कर देखो। सबसे पहले तो आपको एक्स टाइम्स सक्सेस चाहिए, तो एन में से एक्स जगह पे यस, ठीक है ना, यानी एक्स सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स। ये कितने तरीके से सिलेक्ट होगा, एन सी एक्स, यानी जैसे देखो पांच मैचेस में से दो मैचेस जीते, तो वो दो मैचेस कितने तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, फाइव सी टू, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला पांचवा, इस तरीके से पूरे कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो फाइव सी टू बनते हैं वहां पर पांच में से दो। वैसे ही यहां पर एन में से एक्स कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एन सी एक्स। फिर आपके पास सक्सेस पी है, तो आप पी इंटू पी इंटू पी कितना टाइम्स लोगे, एक्स टाइम्स, क्योंकि एक्स सक्सेस है। फिर फेल्यूर कितने बचे, ऑब्वियसली टोटल एन थे तो एन माइनस एक्स फेल्यूर बचे, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू एन माइनस एक्स, और आप इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मिल जाता है। फॉर एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री अप टू एन, क्योंकि आपको मालूम है एन ट्रायल है, तो आपके पास सक्सेस कम से कम जीरो बार और ज्यादा से ज्यादा एन बार मिल सकता है। गाइज, डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप लोग ये जो मैंने अभी बताया इसके साथ ओके हो? अगर आप ओके हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू एन एंड जीरो अदरवाइज। तो देखते हैं यहां पर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके सॉरी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज सिंपली एन सी जीरो p टू द पावर जीरो क्यू टू द पावर एन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू वन, इट इज एन सी वन पी टू द पावर वन क्यू टू द पावर एन माइनस वन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n, इट इज एन सी एन पी टू द पावर एन क्यू टू द पावर एन माइनस एन, यानी जीरो। इफ यू सी दीज आर टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ p प्लस क्यू टू द पावर n। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ऐसी हो जाती है अब कि अगर आप p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू वन प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू टू ये सब लिखोगे अप टू p ऑफ x इज इक्वल टू n, तो ये होता है एन सी जीरो पी टू द पावर जीरो क्यू टू द पावर n प्लस एन सी वन पी टू द पावर वन क्यू टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू पी टू द पावर टू क्यू टू द पावर एन माइनस टू एन सी एन पी टू द पावर एन क्यू टू द पावर जीरो एंड दिस इज नथिंग बट पी प्लस क्यू टू द पावर एन एंड पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है वन, तो ये हो गया वन टू द पावर एन वन। यानी देखो जीरो की प्रोबेबिलिटी, वन की प्रोबेबिलिटी, टू की प्रोबेबिलिटी, अप टू एन की प्रोबेबिलिटी, सबके प्रोबेबिलिटीज का सम वन होगा, वो तो आना ही चाहिए था ना, तभी तो ये पीएमएफ हुआ। तो इनमें से हर वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है प्रोबेबिलिटी की, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वन है, इसीलिए ये पीएमएफ हुआ। और दूसरी बात ये थी कि इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा, तो क्या आप लोग ये क्लियर हो चुका है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा?
शाबाश। अब इसके बाद एक चीज बता के रख देता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम के लिए, यानी सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे चल के हमें अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स वगैरह पूछा जाए, ठीक है, तो उसके फॉर्मूले ध्यान में रख लेना है। फॉर जेई स्टूडेंट अगेन हम लोग ये कैसे आया देखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन एन पी, देखो ऐसे लिखा जाता है, x इज अ रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ नंबर ऑफ ट्रायल्स n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। तो ऐसा रहता है तो आप फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए फॉर्मूला बनाओ, कौन सा, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई ऑन i, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में एन पी आता है। तो मुझे बताओ ये एन पी यानी कुछ अलग हुआ कि पहले वाला ही फॉर्मूला यूज करके फाइनल रिजल्ट बताया मैंने, जो मैंने अभी ये दोनों चीज़ें याद रखने के लिए बोली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वगैरह के लिए, तो क्या ये नया फॉर्मूला है या यानी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में है वही यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके रखा है। तुम्ही समेशन ऑफ एक्स आय पी आय केल्यानेच मिळतं एन पी, फक्त हे आपण सॉल्व करून ठेवून दिलं, आणि ज्यांना फक्त बोर्डात करायचं आहे त्यांनी हा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह झाला याच्यापर्यंत नाही गेलं तरी चालेल। वैसे तो करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, बट अगेन डिपेंड करता है कि आप लोग कितना टेंशन लेना चाहते हो। नीट वाले तो जनरली मेरे ख्याल से सर शॉर्ट में करा दो ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे सभी के सभी। फॉर जेई स्टूडेंट्स आई विल टेल यू कि हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड, इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया जा सकता है। सो यहां पर थियोरी पोर्शन कंप्लीट हुआ, नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, लेट्स से। क्वेश्चन टू, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन फोर टाइम्स, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक एक क्वेश्चन एक एक चीज का आता होगा और हम लोग लिखते जाएंगे। व्हाट इज बर्नौली ट्रायल, एक डाइस थ्रो करना, चार डाइस थ्रो करना, दो डाइस यानी पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना, व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। यहां पर बर्नौली ट्रायल है पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, करेक्ट। अब पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, सो आपको मालूम है एन ऑफ एस 36 है,
करेक्ट। अब सक्सेस क्या है? सक्सेस अगर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया तो ये 11, 22, 33, 44, 55, 66। आप लोग के पास 36 आउटकम्स कौन से थे? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ऐसे आपके पास 36 हो गए थे। उसमें से यहाँ पर आपके पास 6 डबलेट्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड डबलेट्स? हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज इक्वल टू 6/36 विच इज 1/6। एंड हेंस क्यू इज इक्वल टू 1 - पी विच इज 5/6। गाइज डू यू अंडरस्टैंड हाउ आई फाउंड आउट पी एंड क्यू? हमने पहले सिर्फ बर्नौली ट्रायल क्या है ये देखा, उसमें सक्सेस किसको बोला ये देखा, और हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। नाउ n इज इक्वल टू 4। And x is 4 वही हमारे लिए सक्सेस है। x यानी नंबर ऑफ डबलेट्स वही हमारे लिए सक्सेस है। रेंज ऑफ x क्या है मैं लिख लेता हूं। रेंज ऑफ x क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहां से आया? 4 ही, 4 ही बार तो किया हमने ट्रायल। दोन डाइस थ्रो केले हे असं आपण 4 वेळा केलं तर होऊ शकते की डबलेट एकदा ही नाही मिळणार, एकदा मिळेल, दोनदा मिळेल किंवा जास्तीत जास्त 4 मिळेल। सो नाऊ कॅन आय राईट दिस? एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ एन इज इक्वल टू 4 अँड पी इज इक्वल टू 1/6। हेन्स probability of x is equal to small x is equal to काय असते? ncx 4cx किंवा मला वाटतं मी पहिल्यांदा n मध्येच लिहून घेतो एकदा आणि मग डबल लिहिताना व्यवस्थित लिहतो। ncx p to the power x q to the power n minus x for x is equal to 0 1 2 up to n 0 otherwise that is p of x is equal to x is equal to in this case it will be 4cx 1/6 to the power x 5/6 to the power 4 - x for x is equal to 0 1 2 3 and 4 and that is 0 otherwise। ye ho gaya aapka binomial distribution। सगळेजण मला एक सांगा की बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर्यंत आपण कसं पोहोचलो हे समजलं का? पहले मैंने क्या देखा? पहले मैंने देखा ट्रायल क्या है, ट्रायल क्या है, उसका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल्यूअर का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर वो कितने बार रिपीट किया गया है दैट इज स्मॉल एन। इसके बाद सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी का ये लिखना है। अब आपको इतने बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी जो पर्पल बॉक्स बनाया उतना भी आपने लिखा तो भी चलने वाला है। सो अगेन लेट मी आस्क यू, यहां तक ओके है क्या आप लोग? गॉट इट? ओके गुड। अब आपको क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस।
आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, क्या आएगा वैल्यू? 4c2 1/6 टू द पावर 2, 5/6 टू द पावर 4-2. नाउ 4c2 इज 4 × 3 अपॉन 2 × 1 इंटू 1/6 का स्क्वेयर. तो आई विल राइट, ओके, 1/6 का स्क्वेयर इंटू 5/6 टू द पावर 4-2 स्क्वेयर. नाउ हियर, ओके, तो ये भी 6 आ गया. 6 इंटू 5 का स्क्वेयर अपॉन 6 टू द पावर 4, सो इट इज सिंपली 5² अपॉन 6³. 5² अपॉन 6³. आपका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू 5² अपॉन 6³. क्या दिया है टेक्स्ट बुक में आंसर देख लो. ओके, शाबाश. ओके, अब कैलकुलेशंस कभी कभी आपको थोड़ा सा लेंदी होते हुए दिख सकते हैं, राइट. लेकिन पहले आप लोग अगर सॉल्व प्रॉब्लम्स एक बार देख लोगे तो चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, ठीक है. सॉल्व प्रॉब्लम्स एक बार अगर आप देख लेते हो तो चीज़ें आसान लगने लग जाएगी, ठीक है. जैसे अब 12th क्वेश्चन का एक देखते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि x follows b एन पी. तो उसका पहला क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 10 है, p का वैल्यू 0.4 है, तो e ऑफ x बताइए एंड वेरियंस ऑफ x बताइए. वेरियंस भी निकालना है, इसीलिए मुझे बताइए. यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, q का वैल्यू बताइए. q इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, ये यहां पे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आया. ठीक है, ओके, चलो. प्रॉब्लम आसान था, ओके. p माइनस 1 नहीं रे बाबा, 1 - p कुठून तुम्ही निगेटिव आणाल ना. सो 1 - 0.4, सो q इज इक्वल टू 0.6. बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. e ऑफ x इज इक्वल टू n × p. n × p मतलब 10 × 0.4 हो गया आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x. एंड व्हाट इज वेरियंस ऑफ x? इट इज np q, 10 × 0.4 × 0.6. ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 1-2 मार्क्स के लिए.
ओके यहाँ पर मैं सिर्फ अब आपको एक क्या बोलते हैं फाइनल एक एडवाइस दे देता हूँ और रुकता हूँ. सपोज देयर इज सम एक्स विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पी और कहीं पर आपको एन इज इक्वल टू 10 दिया गया और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एग्जाम्पल के तौर पर. यानी आपको क्या पूछा गया आपको ध्यान में आया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10. डू यू गेट दिस क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूं कि आपको कहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा गया, एन की वैल्यू 10 है, तो आपको 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक के वैल्यूज आ सकते हैं, है ना? तो अब आप इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, लेकिन कैलकुलेट करते करते आप लोग बूढ़े हो जाओगे, है ना? तो भाई इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास. तो क्या किया जा सकता है? कैन समवन टेल मी, कैन आई राइट दिस एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1? हाँ बस करेक्ट बताया ऐश्वर्या, लेकिन ब्रैकेट चाहिए था पी ऑफ 0 और पी ऑफ 1 के लिए. ओके सो आज का क्लास मैं अब यहां पर एंड कर रहा हूं. मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स कल तक पूरे ट्राई हो जाएंगे, क्योंकि मैं अगला सेशन सिर्फ डाउट्स के लिए लेना चाहता हूं. तो डाउट्स का सेशन मुझे कल लेना है कि परसों लेना है आप बताएंगे, क्योंकि अभी ये हमारा मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर था. इसके बाद मैं सीधा सीधा सिर्फ कॉम्पिटिटिव के क्लास, जेई के क्लास कंटिन्यू करूँगा. मतलब ये भी जेई को है, ये जेई को नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद में फिर नीट वालों को मैं फ्री कर दूंगा क्लास अटेंड करने से. सो जस्ट टेल मी कि हम लोग कल रख डाउट्स का सेशन कल रखे या परसों रखे इस चैप्टर का. चलेगा डे आफ्टर, ठीक है? तो कल शायद मैं अलग से कोई क्लास नहीं रखूंगा. आप लोग यस, लेकिन फिर ध्यान से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कर लो. सभी टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में लिखना है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट सॉल्व कर लो पूरा कंसेप्चुअली. आंसर तक हम लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं? अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे. ओके और हम लोग जल्दी से जल्दी इस पोर्शन से फ्री होना चाहते हैं, ताकि हम लोग कुछ और ज़्यादा यानी प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर पाए. सो गाइज आई विल एंड दिस लेक्चर नाउ. थैंक यू वेरी मच. आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू.